मेहता साहब, ये तिने आर्डीनेंसां दा किसानी दे उपर की असर पएगा? ये सारे देश विच वख-वख किसानी दे उपर फर्क पएगा, लेकिन पंजाब ते पंजाब दे नाल लगदे हरियाणा दे इलाके जिथे बहुत सारे पंजाबी वसों हैं और उन्होंने जो पंजाबी किसान बहुत सारे हैं, उन्होंने उपर बहुत ज़्यादा घातक असर होएगा। अच्छा, ये तो हो सकता है कि कुछ देर लई वो कुछ लोगों नू इस गल दे उपर भुला सकन या इनू हौले हौले करके इंप्लीमेंट करन, ताकि इस नू बहुत वड़ा हंगामा पंजाब विच ना खड़ा होवे, ये चीज़ संभव है। लेकिन पंजाब विच कुछ लोग ऐसे भी हैं, और पंजाब ही एक वाहिद सूबा है देश दा जिथे के 25 एकड़ तो वड्डे फार्म 14% है। बहुत सारे सूबे विच बहुत छोटे फार्म हैं, तो पंजाब विच ये 14% जड़ी है कि ये बहुत वड्डे जड़े फार्मर्स हैं। ये जरूरी नहीं कि उस सारी जमीन जड़ी वो वांदे हैं वो उन्हां दी मलकियत दी होवे, बहुत सारी लीज इन लैंड है। हाँ जी, और बहुत सारी जमीन जड़ियां के पुराने खेती तरीकों नाल वरतियां जांदियां सन, उन्हां दे विच बहुत सारे लोग गुजारे लायक और अपना खाण पीण तो अलावा अपने बच्चों की पढ़ाई पक्के मकान बनाने की योग्यता विच सन, वो खेती विचों बाहर निकल के इंडस्ट्री विच नहीं आए, वो होर किसे पासे नहीं जा सके क्योंकि पंजाब विच इंडस्ट्री डिवेलप ही नहीं हुई, कीती ही नहीं गई। जब तक इत्थे सरकारी अदारे ना लगाए जाते तो प्राइवेट पार्टनर्स ने इत्थे आना ही नहीं सी, और लगातार इत्थे क्रेडिट डिपॉजिट रेशो बैंक्स दी पंजाब दे एडवर्स रही है, और ये हिंदुस्तान पाकिस्तान दे रिलेशन्स अच्छे ना होने का एक कारण सी, ते दूसरा कारण से यह सी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे उपर इत्थों प्रक्योर करना आसान सी, किसान आसानी नाल उस भाव दे उपर दे देंदे सन। बाकी देश विच ये मुश्किल सी, दिल्ली दे आर पार दा हरियाणा वो उत्थे प्रक्योरमेंट नहीं हुंदी सी, प्रक्योरमेंट सिर्फ इस इलाके ज़्यादा होती सी। सो हर सूबे दे हालात वखरे वखरे, और पंजाब विच बगावत भी बहुत तिखी होने की संभावना में, लेकिन ये पक्के तौर से नहीं किया जा सकता कि की रुख इख्तियार करेगी।